بھی گائڈ ادھر توجہ کریں آپ. سرچنگ کے لیے ہمارے پاس ایک فارم ہونا چاہیے, اس کو میں کہتا ہوں جے ڈائیلاگ فارم. سرچ اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ کو سرچ کرو. اور اسٹوڈنٹ کو سرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم اپنے فریم کے اندر ایک ٹیبل لائیں اور اس ٹیبل کے اندر وہ سارے اسٹوڈنٹس ہم دکھائیں جو ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ڈیزائن ٹائم پہ ایک اس کا ماڈل سیٹ کرتے ہیں جے ٹیبل کا, اور رن ٹائم پہ اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک, اسٹوڈنٹ کی کلاس میں ہمارے پاس کتنے فیلڈز ہیں, 1, 2, 3, 4. فیس بھی رکھ دیتے ہیں اس کی. نمبر آف کالمز, نمبر آف روز, نمبر آف کالم ٹائٹل کیا ہے نمبر کا, سب سے پہلا ٹائٹل ہے, دوسرا ٹائٹل ہے نیم کا, تیسرا ٹائٹل پھر ایج ہے یا کورس ہے. آئی تھنک اس میں فادر نیم نہیں ہے, کورس ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں, 1, 2, 3, 4, 5. آئی ڈی نہیں ہے. اوکے گڈ, تو ہم ایک آئی ڈی بھی بنا دیتے ہیں, پبلک انٹ آئی ڈی. اب ہم کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں سرچ کرنے کے لیے ہمیں اور کیا چیز چاہیے, یہاں پہ ہمیں ایک ٹیکسٹ باکس بھی چاہیے ہوگا جس میں ہم لکھیں گے سرچ کرنے کے لیے, اور ایک بٹن بھی چاہیے ہوگا جو ہم نے سرچ کر لیا اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے. اوکے ہو گیا سر, ہم کہتے ہیں سرچ. سرچ بائی نیم, اور اس کو ہم ٹیکسٹ باکس کو کیا کہتے ہیں, سوری سلیکٹ چینج ویریبل نیم, ٹی ایکس ٹی سرچ بائی نیم. اوکے سر, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ڈمی ریکارڈز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں شروع میں, تاکہ ہم سرچ کرنے میں ہمیں آسانی ہو, ریکارڈ نہ ایڈ کرنے پڑیں. جو پریویس ریکارڈ ہمارے پاس پڑے ہیں انہی میں سے ہم سرچ کریں. تو ٹیبل کے اندر ڈیٹا ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, ایک ماڈل ہونا چاہیے. ماڈل کون سا,
default table model. ठीक हो गया सर। डिफॉल्ट टेबल मॉडल, हमने एक डिफॉल्ट टेबल मॉडल बना लिया। अब हम कंस्ट्रक्टर के लास्ट पे लिखते हैं कि ये जो मॉडल है ये किसके इक्वल हो जाए। दिस डॉट जे टेबल डॉट गेट गेट मॉडल। हमने टेबल का मॉडल किसमें ले लिया, अपने मॉडल वेरिएबल के अंदर। जो भी आपने टेबल में मॉडल डिज़ाइन किया था वो अब हमारे मॉडल के अंदर आ गया। अब हमने मॉडल के अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमारे पास एक अरे होनी चाहिए, अरे ऑफ स्ट्रिंग, इसको मैं कहता हूँ रिकॉर्ड। और इसमें कितनी चीज़ें होंगी, फाइव। पहला क्या होगा, दूसरा नेम, तीसरा क्या होगा उसके बाद कोर्स नेम, और लास्ट पे क्या होगा फीस। ठीक हो गया सर। हाँ जी, ये इंटीजर है, लेकिन हमने स्ट्रिंग अरे जो ली है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसमें जो भी डेटा डालेंगे वो स्ट्रिंग का होगा। अब हमने इसको मॉडल में ऐड करना है, तो मॉडल डॉट ऐड रो रिकॉर्ड। ठीक हो गया सर। दोबारा से एक रिकॉर्ड ऐड करें, इसको कहते हैं रिकॉर्ड टू, और इसका नाम कर दें एक और रिकॉर्ड लें। हाँ जी, आईडी भी चेंज होगी। तीन रिकॉर्ड इसके अंदर डाल दिए। ओके, अब हम इस फॉर्म को खोलना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्म था जे टेबल फ्रेम, इसके डिज़ाइन पे जाके कहते हैं सर्च स्टूडेंट। एक बटन हम लगा देते हैं किस चीज़ का, सर्च स्टूडेंट्स।
कि हम स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करें तो कौन सा फ्रेम खुलना चाहिए, फ्रेम सेट विजिबल ट्रू। हमने तीन रैकेट डाले थे, अब तीन रैकेट डाल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे नाम लिखें वो रैकेट क्या हो, सर्च हो, वो रैकेट क्या हो जाए, सर्च हो के कहाँ आए, इसी टेबल के अंदर, ऐसे ही है। ओके गुड। हम एक इवेंट बनाते हैं, एक्शन परफॉर्म इवेंट। और एक्शन परफॉर्म इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, नेम को सर्च करेंगे, उस नेम को जो हमने लिखा है। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू txt सर्च बाय नेम डॉट गेट टेक्स्ट। जो कुछ हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो किस में आ गया, वेरिएबल के अंदर आ गया। आ गया, ओके। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने इससे मिलते हुए रिकॉर्ड एक मॉडल के अंदर ऐड करने हैं। तो एक और मॉडल हम डिफाइन करते हैं, डिफॉल्ट टेबल मॉडल टेम्प मॉडल इज इक्वल टू जी, सॉरी। इसकी वजह यह है कि हम सर्च करेंगे और दूसरे मॉडल के अंदर ऐड कर देंगे। हमने सर्च किए 10 रिकॉर्ड आ गए, वो किस में ऐड हो जाएंगे, दूसरे मॉडल के अंदर, न्यू मॉडल के अंदर। प्रीवियस मॉडल में हमारे पास 50 रिकॉर्ड थे, हमने सर्च किए 10 रिकॉर्ड, अब वो 10 रिकॉर्ड किस में आ गए, नए मॉडल के अंदर। अब ये मॉडल हम किसको दिखाएंगे, यूज़र को, ताकि टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड दिखा भी सकें कि ये सर्च करने के बाद ये रिकॉर्ड बचा है। ठीक, अब हमने
पहले तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लें और उसको असाइन करें मॉडल के रो की नेम की वैल्यू, दिस डॉट सॉरी मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट आई वन डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया सर। इफ टेम्प डॉट स्टार्ट विद नेम, कि वो जो टेम्परेरी वेरिएबल है जैसे हमने एस लिखा और हमारे टेबल के अंदर कहीं पे एस से नाम कोई स्टार्ट हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये स्टेटमेंट लिखी है, ये उस सूरत में रिटर्न ट्रू करेगी जब ये टेम्प और ये नेम एक ही स्पेलिंग से शुरू होंगे। ठीक, अगर ये ट्रू रिटर्न करें तो हमारा जो टेम्परेरी मॉडल हमने बनाया है उसके अंदर रो ऐड हो जाए कौन सी रो ऐड होगी, पहले हम रो बनाएं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लिख के एंटर करें जो नाम मिलते हों वो एक और मॉडल के अंदर आ जाए, दूसरे मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट आई वन, हो गया सर। देखते हैं जी हमने क्या किया है। अब कोड के अंदर हम कहते हैं जैसे ही हम एक्शन परफॉर्म करें तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट आ जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। फिर एक मॉडल बने और वो मॉडल किस तरह का हो जिस तरह हमारे जे टेबल का मॉडल है। जे टेबल डॉट गेट मॉडल और टेम्परेरी मॉडल डॉट सर
सारी रोज को किस तरह से रिमूव करते हैं हम? लोग की मदद से करते हैं। चलो हम पहले इसके रिकॉर्ड को रिमूव कर दें। जी कुछ ना कुछ सर्च होने लग गया है। हमने सर्च किया था KH, तो जुनेद सर्च हो रहा है। हम KH को देखते हैं कि KH से KH क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। सॉरी वही देखते हैं ना कि क्यों नहीं सही सर्च किया इसने। कोड तो ठीक है। अच्छा जी, इस एक्शन परफॉर्म इवेंट के अंदर एक और कोडिंग हम कर सकते हैं कि इफ़ txt सर्च डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ ना लिखा हो, फिर जो हमारा जे टेबल है उसका मॉडल ओरिजिनल मॉडल रहे, और अगर ऐसा ना हो तो फिर सारी रोज रिमूव हो जाएं। रिमूव होने के बाद जी सॉरी ज़ीरो आएगा। अब ठीक हो जाएगा। डैशबोर्ड सर्च स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट। अब हम लिखते हैं जी HU। स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? अपर केस में। अगर अपर केस में ये मैच करती हैं तो फिर ठीक है। और नंबर टू कॉलम इंडेक्स वन में हमारे पास नेम है। ओके गुड, नेम ही आएगा। Thank you.
हेडर्स के लिए। आईडी नेम फादर कोर्स फी सारा कोड ठीक है फिर भी नहीं चलता। खालिद खालिद नाम का ही मसला है। हमदुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह भी आ गया। ठीक हो गया। पूरा नाम हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ स्टार्टिंग लेटर्स लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक दफा फिर ब्रेक पॉइंट लगा के इसको दोबारा डीबग करते हैं। मैंने KH लिखा है और डीबगर में एंटर हो गया हूँ। डीबगर के अंदर मैं लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मैं पहली लाइन पे हूँ, ये कंडीशन फॉल्स है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट खाली नहीं है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा कर्सर कहाँ चला गया, लाइन नंबर 123 पे, और यहाँ पे उसने नेम के अंदर क्या लिया, टेक्स्ट। अब नेम में क्या आ गया, KH, और हमें वो KH दिखाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैसेज बॉक्स के में, मैसेज बॉक्स में। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारी स्क्रीन पर मैसेज आ गया KH। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, कि हमने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को हेडर असाइन कर दिए ठीक है। जी सर, बिल्ली के हवाले कर गया है, बिल्ली के हवाले कर गया है, बुक्स वाला। हाँ ऑफिस में। हाँ ठीक है ओके। अब कहाँ जा रहे हैं? मैंने लाना है। मैंने लाना है। मैंने उधर नॉलेज नहीं।
जानते हैं सर, देखते हैं। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।